एचएनबी का बहुत सारा वीडियो आप यूट्यूब पे देखे होंगे। मेरे ही चैनल पे एक वीडियो आया था जिसमें हमने बताया था कि सीयूईटी का जो एग्ज़ाम है वो एचएनबी के लिए कैंसिल हो गया है, लेकिन दोबारा हमने एक वीडियो डाला था बीएड और एमएड के लिए कि सीयूईटी नहीं कैंसिल्ड हुआ, जो कि नोटिस निकला था एचएनबी की तरफ से ही। और अभी आज 29 तारीख का अपडेट आया है, एचएनबी कॉलेज के वेबसाइट पर भी है और सीयूईटी की वेबसाइट पे भी है। सीयूईटी का जो फॉर्म का डेट है यूजी के लिए वो एक्सटेंड करके 31 मई कर दिया गया है। तो अगर कोई भी बच्चा सीयूईटी का फॉर्म नहीं भर पाया था या फिर उसमें कोई करेक्शन करना था उसको, तो आप 31 तारीख तक कर सकते हो उसमें। और सीयूईटी का अभी जो नोटिस निकला है आज का, वो हम आपको दिखाते हैं कि सीयूईटी उसमें यूजी के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि उसमें आपको देना होगा। आइए पहले हम आपको सीयूईटी यूजी का वेबसाइट दिखाते हैं जहाँ पे ये नोटिस निकला हुआ है सीयूईटी जो एनटीए कंडक्ट करवाता है उसकी तरफ से। ये देखिए लिखा हुआ है अनाउंसमेंट, वेलकम टू सीयूईटी यूजी 2022 पोर्टल, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सटेंडेड टिल 31 मई 9 PM। आप रात के 9 बजे तक इस फॉर्म को, यूजी का जो फॉर्म है इसको भर सकते हैं। अगर कोई भी बच्चे का छूट गया है जो नहीं भर पाया है तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी, जो एनटीए के सॉरी एचएनबी के पोर्टल पे, एचएनबी के वेबसाइट पे जो नोटिस निकली हुई है यूजी कोर्स के लिए, वो हम आपको दिखाते हैं। आइए, ये है एचएनबी का वेबसाइट। यहाँ पे जो नोटिस निकला हुआ है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है री ओपनिंग ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2022। इसका ये फॉर्म है आ चुका है, जो दोबारा से ये इसका नोटिस रहा है एचएनबी का। हम इस नोटिस को टेलीग्राम के ग्रुप में भी सेंड कर दिए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एक बार हम आपको पढ़ के बताते हैं कि इस नोटिस में लिखा क्या है। द्वारा सूचित किया जाता है कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के सत्र 2022-23 की स्नातक यूजी कक्षा में प्रवेश सीयूईटी के माध्यम से किए जाएंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र छात्राओं के पंजीकरण की अंतिम तिथि 22/5/2022 तक थी, जिसे एनटीए ने अपने सार्वजनिक नोटिस पब्लिक नोटिस दिनांक 27/5/2022 के द्वारा दिनांक 27/5/2022 से 31/5/2022 रात के 9 बजे तक विस्तारित कर दी है, तथा वे छात्र जो आवेदन फॉर्म भर चुके हैं और उसमें संशोधन करना चाहते हैं वे भी संशोधन कर सकते हैं। मतलब जो भी बच्चे फॉर्म भर चुके हैं और उसमें उनको कोई मिस्टेक लग रहा है, कोई करेक्शन करना है, तो वो अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं 31 मई तक 9 बजे रात तक। और जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं, सीयूईटी का जो फॉर्म निकला था कि नोटिस आया था कि सीयूईटी कैंसिल हो गया है एचएनबी में, तो वो बच्चे अगर नई फॉर्म भरे हैं तो वो अपना फॉर्म अब एचएनबी में भर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं और नोटिस को भी आप टेलीग्राम के ग्रुप में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ये नोटिस निकला हुआ है। तो जो भी बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरे हैं वो बच्चे अपने फॉर्म को भर सकते हैं और कोई भी सीयूईटी एचएनबी में कैंसिल नहीं हुआ है। अब हम आपको वो कोर्स दिखाते हैं कि वो कौन कौन सा कोर्स है जो कोर्स आप एचएनबी में सीयूईटी यूजी के थ्रू कर सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं, ये है एचएनबी गढ़वाल कॉलेज। यहाँ पे देखिए एचएनबी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। अब इसमें देखते हैं वो कौन कौन सा कोर्स है जो आपको ऑफर किया जाता है इस कॉलेज में। यहाँ पे दिया हुआ है बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप, बीएससी लाइफ साइंस ग्रुप, बी फार्मा फार्मास्यूटिकल साइंस, बी कॉम कॉमर्स से है, बीएससी नेचुरोपैथी एंड योगा, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद आता है बीए आर्ट लैंग्वेज सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी, बीएचएम होटल मैनेजमेंट 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में, बीए ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन फोल्क म्यूजिक, डिप्लोमा इन फोल्क डांस, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 ईयर के लिए है ये, और बीएससी होम साइंस,
बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये सारा जो कोर्स है आपको सीयूईटी के थ्रू यूजी कोर्स चाहिए, सीयूईटी के थ्रू जो आपको एचएनबी में मिल रहा है। तो वो बच्चे जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे थे और एचएनबी में एडमिशन लेना चाहते थे, उनके लिए ये फॉर्म है। आप लोग अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर दें, क्योंकि 31 तारीख तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं रात के 9 बजे तक।